दिल्ली से बड़ी खबर है। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है। गृह सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। बीआरओ, आईटीबीपी, सीपीडब्ल्यूडी और गृह मंत्रालय के अधिकारी जो है बैठक में मौजूद थे। सीमा पर जल्द ही 32 निर्माणाधीन सड़कों का काम जो है वो पूरा किया जाएगा। तो फिलहाल बैठक खत्म हो चुकी है। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर अहम बैठक जो है वो चल रही थी। गृह सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक हुई जिसमें बीआरओ, आईटीबीपी और सीपीडब्ल्यूडी और गृह मंत्रालय के अधिकारी मौजूद रहे। निर्णय लिया गया है सीमा पर जल्द से जल्द जो है 32 निर्माणाधीन सड़कों का काम जो है वो पूरा किया जाएगा। भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर बैठक गृह मंत्रालय में चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है। गृह सचिव की अध्यक्षता में आपको बता दें ये बैठक चल रही थी। जिस तरीके से भारत चीन सीमा विवाद इस वक्त तनाव की स्थिति बनी हुई है, तो तमाम जो मीटिंग्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है इस वक्त सीमा विवाद को देखते हुए। हमारे सहयोगी अमित दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे अमित दुबे का। अमित, बैठक खत्म हो चुकी है, निर्णय लिया गया है कि जो भी निर्माणाधीन सड़क है उसका काम जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जी बिल्कुल, देखिए गृह सचिव ए के भल्ला की अगुवाई में ये बैठक हुई है। आईटीबीपी के अधिकारी मौजूद थे, सीपीडब्ल्यू के अधिकारी मौजूद थे, बीआरओ के अधिकारी मौजूद थे और खास तौर पे जो आईटीबीपी के जवान हैं मोस्टली चीन से जुड़ी जो सीमाएं वहाँ पे तैनात है, चाहे उत्तराखंड की बात की जाए या तिब्बती सीमा की बात की जाए, आईटीबीपी का निर्माण ही इसीलिए हुआ था कि इन जगहों की रक्षा कर सके। और आईटीबीपी जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर आती है, सेना के अंडर नहीं आती है। तो ऐसे में आईटीबीपी के अधिकारी इसमें मौजूद थे और खास तौर पे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, 32 से ज़्यादा निर्माण कार्य हैं जो रूटीन में चल रहे हैं और लगभग 70 निर्माण कार्य हैं जो कि पेंडिंग में, जिनके लिए एक और रूपरेखा तैयार की जानी है और जिसे लेके आगामी दिनों में निर्माण कार्य किया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर रणनीति बन रही थी। सरकार की पहली प्राथमिकता ये है कि जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, क्योंकि जिस तरह से चीन के साथ विवाद हुआ है उसके बाद चीनी सेना हो या चीनी प्रशासन हो, वो अपनी गतिविधियों को लगातार और तेजी से अंजाम दे रहा है। तो ऐसे में भारत के लिए भी बहुत जरूरी है कि अपनी चीज़ों को दुरुस्त करे, चाहे रोड होगी तो जाहिर तौर पर सेना ले जाने में और सेना की चीज़ें क्रिएट करने में दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए साफ तौर पर गृह मंत्रालय चाहता है कि निर्माण जल्दी हो और इसे लेके ये बैठक ली गई है खास तौर पे कि इसे लेके क्या कुछ और ज़्यादा किया जा सकता है जिससे कार्यों को जल्द पूरा किया जा सके। जी अमित, अगर देखें एलएसी के पास चाइना ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है और भारत, अगर हम कंपेयर करें भारत और चाइना की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कमी भारत की तरफ से देखने को मिली है। वजह क्या यही है ताकि अगर सीमा विवाद और बढ़े या तनाव और बढ़ता है तब हमें ज़रूरत होगी वो जो निर्माणाधीन सड़क पड़े हुए हैं अगर वो टाइम से पूरे कर लिए जाए, बिफोर टाइम उन्हें बना लिया जाए, तब शायद और ज्यादा आसानी हो जाए, हम अच्छे तरीके से फिर डील कर पाए। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि चीनी निर्माण जो है बहुत तेजी से हुआ है। ना सिर्फ सड़कों की बात करें बल्कि रेलवे की बात करें तो रेलवे की लाइनें वहां पे बिछाई गई हैं, खासतौर पे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, हवाई पट्टी का, जिस तरह से चाहे उनके लड़ाकू विमान हो या अन्य जहाज हो उन्हें आने में दिक्कत ना हो वो आ सकें। और ऐसे में भारत का निर्माण कार्य भी दूर नहीं है और भारत जिस तरह से निर्माण कार्य कर रहा है यही चीन की सबसे बड़ी आपत्ति है। एलएसी के पास में जो रोड का निर्माण हुआ उसे लेकर ये लगातार विवाद था, चीन को इस पर आपत्ति थी, जबकि जो निर्माण हो रहा है वो भारत के अपनी देश में हो रहा है, अपनी सीमा रेखा के अंदर हो रहा है और उससे भी एलएसी की लाइन काफी दूर है, लेकिन उसके बावजूद चीन को आपत्ति थी और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि वो अपनी योजनाओं से पीछे हटने वाला नहीं है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार पहले डेवलप जैसे कर रहा था उसी तरह डेवलप करता रहेगा। लेकिन अब विवाद के बाद में एक नई चीज आई है कि अब सरकार चाहती है कि ये डेवलपमेंट और तेजी से हो, पहले जिस तरह से हो रहा था उससे ज्यादा क्रिएटिविटी क्रिएट की जाए और इसे लेके बैठकों का दौर जारी है। हालांकि रक्षा मंत्री जो बैठकें ले रहे थे वो सुरक्षा की दृष्टि थी और जब गृह मंत्रालय बैठक ले रहा है तो ये खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके अगर कहीं कोई कमी है, किसी मंत्रालय की जरूरत है, किसी संस्थान की जरूरत है तो उसे गृह मंत्रालय आदेश दे सके, क्योंकि प्रधानमंत्री
साफ कर चुके हैं कि भारत किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है और दुश्मनों को जवाब देना हो जाता है। अमित कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा भी उतना ही डेवलप हो, सड़कें बनी हुई हो, ताकि जो व्यवस्थाएं करने में वहां हमारी सेनाओं को जो जरूरत है वो जरूरी सामान वहां तक पहुंचाने में जल्द से जल्द कम वक्त लगे और जल्द से जल्द उन तक सहायता पहुंच पाए। शायद ये वजह है कि इसे लेकर एक डिसीजन आज ले लिया गया है। अब देखने वाली बात है कि कितनी रफ्तार से काम होता है, क्योंकि प्राथमिकता दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।